सरप्राइज कि मार्वल वालों स्पाइडर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एनिमे कैसे नहीं बनाया। भाई यार उसका हाँ जो परफेक्ट। जारी हुआ था कुछ लीक्स देखे तुमने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के, वो अच्छे नहीं लग रहे फोटोज थे। ही तो थे। आई नहीं वो वीडियो टाइप जैसे नहीं लीक किया हुआ था उन्होंने। थिंक इंट्रो था शायद उसका, कुछ कुछ तो हाँ था, मैंने वो देखा तो मतलब है। हाँ काट रहा है स्पाइडर तो फिर वो इंट्रो दिखा रहे थे, लेकिन वो अच्छा लोगों को नहीं लग रहा था ऐसे बता रहे थे। देखते हैं स्टोरी क्या कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी तो लेकिन मेन यूनिवर्स की है ही नहीं ना ये। वो तो ओजीस पे जाएंगे एकदम पुराना वाला हिसाब। उसमें कुछ अलग अलग फालतू चीजें कर रहे हैं वो, कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वेनम लड़ते हुए आते हैं पोर्टल से, हाँ उस पर और भी वेनम छोड़ के दिया साथ था। मकड़ी आती है। हाँ पता नहीं यार ये हर अब भाई एनिमेशन उसको मल्टीवर्स करने की क्या जरूरत है। एक तो हो रहा है मूवी में भी हो रहा है, अब इसमें भी मल्टीवर्स। आई थिंक पता है इस टाइम पे ना, एक ऐसे स्पाइडरमैन अगर कार्टून ही बना रहे हो आप, एनिमेशन या कार्टून जो भी है, तो आपको एक प्रॉपर ओजी स्पाइडरमैन स्टोरी होनी चाहिए हाँ एकदम रूट्स जिसमें पे उसको जाके। एकदम रूट्स वाली, कि वो कैसे अपना सूट डिज़ाइन करता है, कैसे उसको स्पाइडर बाइट, बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट। और एकदम स्ट्रीट लेवल हीरोज पे एकदम फंक्शन कर रहा है वो। डेडेविल और डेल का मिल जा रहा है उसको, वैसे हाँ वो लड़ तो भाग चलो रहा है। क्रॉसओवर तो बीच बीच में हाँ होते रहेगा, स्पाइडरमैन के विलन्स भी बहुत बहुत हैं, आप छुट छुट विलन उठाते रहोगे बहुत लंबा चल जाएगा वो, मैं तो देखना चाहता करना भाई चाहिए था बट। हम गेम्स में जाते हैं सारा। जब दिखता है ना हैरी, भले ही कोई और चेहरे के साथ, हैरी ऑसबॉर्न आता है उसमें, मैरी जेन आती है, पूरा आपको स्कूल वाला माहौल देखने को मिलता है, पुराना टाइम थोड़ा सा याद आ जाता है कि ये है एक्चुअली में अपना स्पाइडरमैन साइंटिस्ट माई सेल्फ। भाई। वो उसका एक मीम देखा है तुमने स्पाइडरमैन, बहुत पुरानी एनिमेटेड मूवी का, तो एक लड़की को अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, तो बोलता है ठीक है तुमको एक बच्ची दे रहती है तो कि ठीक है मैं तुम्हें ओके अपना चेहरा दिखा दूंगा। देखा है मीम कि नहीं? हाँ नहीं नहीं तो बोलता है कि ठीक है मैं तो सिर्फ तुम्हें ही अपना चेहरा दिखाऊंगा लेकिन तुम किसी को अच्छा बताना हाँ राइट, मत। वो मैंने एपिसोड भी देखा था, वो कार्टून ठीक कॉमिक बुक में भी देखा है और वो एनिमेटेड शो में भी हुआ है, दोनों मैंने देखे। भाई मतलब हरामी पीटर पार्कर, वो चेहरा दिखाता है फिर बाद में खिड़की से जब कूद के जा रहा होता है तो पता चलता है वो पागलखाना नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जैसे वो जो बच्चा होता है ना, जो मैंने हाँ पढ़ा था, अनाथालय ये होते तो हैं लोगों ने, पागलखाने। नहीं, वो ये तो क्या होता है, ये तो मीम बना दिए लोगों ने, बट वो हाँ एक्चुअली क्या होता है कि वो बच्चा उसका बहुत बड़ा फैन होता है ओ और वो उसको टर्मिनल इलनेस होती है। अरे वो दूसरी कहानी है हाँ वो। ये भी हाँ एनिमेटेड शो में जो तुमने देखा है उसमें भी यही होता है, हाँ वो जनरली स्पाइडरमैन को उसी चीज़ से एसोसिएट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आई थिंक, नहीं जहाँ तक मुझे वो लगता है। लौंडा होता है लेकिन वो लड़की को अपना चेहरा, वो आई थिंक एज अ जोक के तरह होगा, मैंने पूरा नहीं देखा हुआ है, लेकिन जो टर्मिनल इलनेस वाली है वो आई थिंक बहुत इमोशनल कॉमिक है अपने आप में ही, इस जिसको व्हाइट लोटस वाले भी क्रिएट करने की कोशिश किया था पर हो नहीं पाया था। पता नहीं, मैंने लेकिन एनिमेटेड शो में भी देखा ही है और उसमें भी देखा है, दोनों में सेम ही चीज़ होती है। वो हाँ एक्चुअली क्या होता है, बता अपना फिर मास्क हटा नहीं रहा होता, बट देन ही रियलाइजेस कि मतलब उसकी आखिरी इच्छा है ये, तो मुझे पूरी करनी चाहिए, तो फिर वो खिड़की पे जाते जाते फिर वापस आता है, अपना मास्क हटाता है और फिर उससे काफ़ी देर बात करके जाता है। वो दूसरा है, लेकिन ये जो ये मीम वाला है एक्चुअली में जो लड़की को दिखाता है, तो शायद अनाथालय होता है या पागलखाना, अब कौन उस लड़की पे विश्वास करेगा, वो तो चेहरा दिखा दिया तो पता है इसका ये। एक लॉजिक बहुत बढ़िया दिया था कि डेयर डेविल का भी, अगर जैसे किंग पे वो पुरानी बेन एफ्लिक की डेयर डेविल मूवी थी ना, तो वो मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो, लेकिन मेरे को अच्छी लगती है वो, जैसे थोड़ा गिल्टी प्लेजर टाइप से आप देखो ना तो मज़ेदार लगती है वो मूवी। उसमें वो था कॉलिन फेरल का बुलजई है और वो एकदम पागल है, बिल्कुल ही पागल, जैसे नेटफ्लिक्स के शो में दिखाया ना एकदम सीरियस टाइप का, हाँ तो वो वैसा नहीं है। तो ओ ना ये आखिरी में क्या होता है, किंग पिन से लड़ने जाता है और किंग पिन, अब किंग पिन क्या बहुत मारता है इसको, क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो किंग पिन जो होता है ना उसके ऑफिस में स्टार्टिंग से ही दिखाया हुआ उन लोगों ने कि बहुत स्टाइलिश ऑफिस है उसका, और एक कॉरिडोर है जहाँ पर ऐसे कॉलम बने हुए हैं जिसमें से पानी जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब यहाँ सीलिंग से आके फिर ग्राउंड पे और फिर ऊपर, और ऐसे तीन अलग अलग बने हुए हैं ऐसे, वो दीवार में ही है समझे, तो आप पिटते पिटते अब डेयर डेविल को कुछ समझ में नहीं आता, उसको बस वो पानी दिखता है कि ये बह रहा है, तो अपना डंडा उठा के उसी पे मारता है वो जो पानी के कॉलम होते हैं, और पानी निकलता है उसमें से और किंग पिन भीग जाता है, फिर उसको सब दिखने लगता है डेयर डेविल को, फिर कूटता है उसको पकड़ के।